रिफ्रैक्शन ड्यू टू कॉन्वेक्स सरफेस। ओके स्टूडेंट, हियर इज योर कॉन्वेक्स सरफेस, दिस इज योर कॉन्वेक्स सरफेस, दिस इज योर डेंसर मीडियम बिकॉज इट इज योर ग्लास सीट, एंड हियर इज योर एयर, दिस इज योर रेयर मीडियम, एंड इट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल हो गया, और ये सरफेस एस एस डैश हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पे एक हमने ऑब्जेक्ट रख रखा है ओ। अब यहां से लाइट इंटर करेगी, अब देखिए ये सरफेस स्फेरिकल ऐसे बन रहा है, यानी सेंटर यहां कहीं होगा, तो सेंटर से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जहां पे लाइट इंसिडेंस कर रही है, यहां पर इसका नाम देंगे ए। तो इंसिडेंस ये हो गई और नॉर्मल ये हो गया, तो इंसिडेंस एंगल ये हो जाएगा, क्योंकि इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच एंगल क्या बनता है, इंसिडेंस। अब इसमें लाइट क्या होगा, डेंसर मीडियम है तो बेंड टू नॉर्मल थोड़ा झुकेगी ना, जब झुकेगी तो इसको थोड़ा बैक करा दो, कहाँ बनेगा, आई पे आएगा। और इमेज का साथ हमने बताया था ऑलवेज बीटा, ऑब्जेक्ट के साथ ऑलवेज अल्फा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ ऑलवेज गामा हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करें, जब हमारे पास ये सारी वैल्यू आ गई तो इन ट्रायंगल की हम बात करते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए सी। आप देखिए ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है तो यू हो जाएगा, और ये डिस्टेंस इमेज के लिए तो वी हो जाएगा, और ये डिस्टेंस आपका सी के लिए है तो आर हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। अब क्या होगा, इन ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी ये वाला पूरा पूरा हम बाहर निकाल के भी आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, ये एंगल आपका हो गया आई, ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका गामा, ये ओ, ये हो गया ए, ये हो गया सी। अब क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ इनर एंगल इज इक्वल टू आउटर एंगल, यानी आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, वन। अब ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल में चले, इन ट्रायंगल आई ए सी, यानी बड़ा वाला ट्रायंगल, ये देखो ये आपका हो गया आई यानी कि बीटा, ये हो गया गामा यानी कि सी, ये हो गया ए, और ये क्या है आपका आर है, क्योंकि तो ये एंगल देखो ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्शन, ये आपका रिफ्रैक्शन एंगल हो गया आर। तो अगर इस वाले ट्रायंगल में अगर हम बात करें स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, सम ऑफ इनर एंगल इक्वल टू आउटर एंगल, यानी आर इक्वल टू बीटा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर क्या आ गया, टू आ गया ना, आई आर आ गया, स्नेल्स रूल लगाएंगे, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है स्टूडेंट, स्नेल्स लॉ ये कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, वन से जा रहे हो टू में, क्योंकि वन मीडियम है या आपका दूसरा मीडियम है, वन एंड टू लिखेंगे, वन से किधर जा रहे हैं, टू में। इसको पढ़े कैसे, रिफ्रैक्टिवनेस टू विद रिस्पेक्ट टू वन, इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू हो जाएगा एन टू वाई एन वन। अब साइन आर और साइन आई की वैल्यू पुट कर दो, साइन आई, तो साइन आई पे क्या है, अल्फा प्लस गामा, यानी अल्फा प्लस गामा, और साइन आर पे क्या है स्टूडेंट, आर पे बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, इधर क्या है आपका एन टू अपॉन एन वन, अक्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस गामा एन वन इक्वल टू साइन बीटा प्लस गामा, ये हो गया एन टू। अब हम यहां दिखा देंगे कि सरफेस इज वेरी स्मॉल, सो एज रीच एट पॉइंट ए, तो एंगल आई एंड एंगल आर इज वेरी स्मॉल, वी कैन मेजर इन रेडियन, रेडियन मेजर करेंगे, जब रेडियन मेजर करेंगे तो साइन को हटा देंगे, फिर अल्फा प्लस गामा ये एन वन आ गया, और इधर बीटा प्लस गामा और ये एन टू आ गया। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चाहिए,
अल्फा के लिए हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, और ये यहां पर देखो एक नॉर्मल होता है, इसकी हाइट एच होती है। जैसे कि इस पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अल्फा इज इक्वल टू टैन अल्फा, और टैन होता है परपेंडिकुलर, अपन बेस परपेंडिकुलर कितना है एच, और बेस कितना है यू, क्या हो जाएगा एच बाई यू, क्योंकि ये नेगेटिव लेंगे क्योंकि इधर लेफ्ट हैंड साइड में है। अब ऐसे बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन बीटा इज इक्वल टू एच बाई क्या हो जाएगा वी, क्योंकि ये भी क्या है लेफ्ट हैंड साइड में है। और अगर गामा की बात करें स्टूडेंट, तो टैन गामा इज इक्वल टू हो जाएगा एच बाई आर, लेकिन ये पॉजिटिव लेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड है। और सारी वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे अल्फा बीटा गामा की, दो स्टूडेंट एच अल्फा, अल्फा की वैल्यू होती है एच अपॉन माइनस यू, प्लस गामा होती है एच अपॉन आर, और ये कितना हो गया एन वन इज इक्वल टू बीटा हो गया एच बाई वी माइनस में, और गामा हो गया एच बाई आर स्टूडेंट, ये हो गया एन एन टू, सॉरी हम लोग एच कॉमन ले सकते हैं। यहां से देखिए आप लोग एच जब कॉमन लेंगे स्टूडेंट तो क्या बचेगा वन बाई माइनस का यू और प्लस वन बाई आर, ये हो गया एन वन इज इक्वल टू, इधर एच कॉमन लेंगे हम लोग क्या बनेगा वन बाई वी माइनस में और प्लस वन बाई आर, और ये हो गया आपका एन टू एच। एच देखो कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, अभी लोग जानते होंगे। अब एन वन से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो एन वन अपॉन माइनस यू प्लस एन वन बाई आर हो गया, और एन टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन टू अपॉन माइनस वी प्लस एन टू अपॉन आर हो गया स्टूडेंट। तो एन टू को इधर लाएंगे हम लोग तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो एन टू अपॉन वी माइनस इसको वहीं छोड़ देंगे। अब एन टू बाई आर और इसको उधर भेजेंगे तो माइनस एन वन बाई आर हो जाएगा, तो एन टू अपॉन वी माइनस एन वन बाई यू और इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर, क्योंकि एलसीएम आर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए स्टूडेंट, एक फार्मूला तो हमारा आ गया एन टू और एन वन के टर्म्स में, लेकिन अगर थोड़ा और करना है तो अगर एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन मान लें क्योंकि होता ही है वन, और एन टू के लिए एन मान लिया जाए तो लिखा जाएगा एन वन इज वन एंड एन टू इज एन, सो आप पहले पुट करोगे तो एन अपॉन वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू एन माइनस वन बाई आर। यह आपका फार्मूला किससे निकल गया, रिफ्रैक्शन फार्मूला। रिफ्रैक्शन फार्मूला कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए सेम होता है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप लोग बात समझ में आ गई होगी।